दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है। आज से दिल्ली मेट्रो की सबसे लंबी पिंक लाइन की मयूर विहार पॉकेट वन से त्रिलोकपुरी संजय लेक सेक्शन की शुरुआत हुई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका शुभारंभ किया। तो दिल्ली वालों के लिए ये गुड न्यूज। आज यानी कि 6 अगस्त से दिल्ली मेट्रो के पिंक लाइन की एक नए कॉरिडोर की शुरुआत हुई है। पिंक लाइन में मयूर विहार पॉकेट वन से लेके संजय लेक त्रिलोकपुरी तक जो है मेट्रो की नई लाइन, ये नया कॉरिडोर बना है। इसके बाद पिंक लाइन जो है वो दिल्ली की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन बन जाएगी, यानी कि मेट्रो सबसे बड़ी लंबी जो है वो कॉरिडोर बन जाएगी। 59 किलोमीटर का ये कॉरिडोर होगा। और आपको बता दें कि अभी फेज़ 4 का मेट्रो का काम लगातार जारी है। अगर फेज़ 4 में मेट्रो का काम खत्म होने के बाद मौजपुर से इस लाइन को पूरा जोड़ा जाएगा, जिसके बाद ये 70 किलोमीटर की ये पूरी पिंक लाइन हो जाएगी, जो कि इंडिया की सबसे लंबी सिंगल कॉरिडोर बन जाएगी मेट्रो की। दिल्ली के सभी महत्वपूर्ण बाजारों को ये लगातार कनेक्ट करती है, चाहे वो लाजपत नगर मार्केट हो, INA दिल्ली हाट हो, या इसके अलावा सरोजनी नगर का मार्केट हो, सभी जगहों को ये पूरी तरीके से कनेक्ट करती है। लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। ये जो नए सेक्शन की जो शुरुआत हुई है, इससे कितना फ़ायदा होगा? मेरे ख्याल से यात्रियों को इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि पहले लोगों को आनंद विहार ज़्यादा जाने के लिए यमुना बैंक से वैशाली पकड़नी पड़ती थी, और अब ऐसा हो गया है कि यात्री डायरेक्ट जा सकते हैं, तो उनका वक्त भी बचेगा और पैसा भी बचेगा एक तरीके से। तो इंडिया की यानी कि दिल्ली की ही नहीं, पूरे भारत की ये सबसे लंबी मेट्रो कॉरिडोर बन जाएगी। हरीश झा, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली वालों को मिली है एक और सौगात। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।